programmes et il y a même maintenant qui a maintenant de l'argent comme vous voyez उलमा अपना काम कर रहे हैं उलमा नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल काम किया बेटा भी नहीं आया करीब बाप परेशानी हुई बेटा कि मेरा बेटा ये भी तूफान आ गया लैसा मिन आलिक अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि ये आपके अहल में से नहीं है देखिए फज़क्किर इन ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन हजरत ऐसा नहीं है जिक्र करो ये फरमाया गया इन्ना जिक्र तन्फ़उल मोमिनीन ये जिक्र नफा देता है अहले ईमान को या तो सवाल ये है कि जी वो टीवी पे खबरों के अंदर हमें इतनी देखिए अनार्की पैदा नहीं करनी है स्टेट में ये बनाना रिपब्लिक नहीं है अपना अपनी बात अपना मौकफ पेश कर देना हमारे प्रोग्राम में कुरान करीम की एक या दो या तीन आयात दी जाती हैं शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक जोड़ा जाता है कुरान आज अमल में कैसे नजर आता है बयान कर देते हैं लेकिन कुव्वत ए नाफिज़ा इन्फोर्समेंट ये उलमा के पास नहीं है वो उलमा अपनी बात पहुंचा देते हैं कि देखिए ये है इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी मौजूद है बहुत इदारे मौजूद हैं अगर उलमा डंडे लेकर बाहर आ जाए मदारिस अब मैं और खुल के बात करूं अगर तो उससे क्या होगा स्टेट का निजाम गरम गरम होगा ना जब माशरा आपने बात करनी तो उलमा माशरा कैसा नबी कैसा खुदा पैसा नबी पैसा खुदा इस रवैये पर गामजन हो तो हमारे उलमा क्या करें जितनी तवज्जो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत पर सर्फ की क्या हम अपने बच्चों पर उतनी तवज्जो तरबियत पर दे रहे हैं मैंने तो कुरान करीम कितनी आयात पढ़ी या जो दसीना मुनुकु अंतरसको वादिको नारा एक और आयत अभी याद आई मैं बयान नहीं कर सका कि या जो दसीना आमनु दातुलिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह वमन यफ़अलज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून ये जो माल और औलाद अहले ईमान तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें ये माल मुझे माल चाहिए अब वो हलाल हराम जायज नजायज खैर शर हटा दिया बस एट द एंड ऑफ द डे मैंने कितना कमाया अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालात होंगे ना कितना इल्म तुम्हारे पास था उस कितना अमल किया उस पर दीन का इल्म जितना था कितना अमल किया उस पर माल आया कहां से माल खर्च कहां किया माल आया कहां से माल खर्च कहां किया तो जब मेरे घर पे माल आ रहा है मेरी बीवी को मालूम है कि इसकी तनख्वाह फर्ज कीजिए 2 लाख रुपए है ये अचानक 12 लाख रुपए घर कैसे आने लगे तो एक मुसलमान बीवी एक उम्मती बीवी का किरदार क्या होना चाहिए कि देखो मैं कम खर्चे में गुजारा कर लूंगी लेकिन मैं अपने अपराधे खाना के पेट में हराम नहीं डालने दूंगी तुम ले जाओ इस हराम को अगर मेरे बच्चों को भूखा भी रहना पड़े मैं भूखा रह लूंगी मेरे बच्चे भूखा रह लेंगे लेकिन मेरे रसूल ने मुझसे ये कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक्मा हराम हराम खोरी के असरात नस्लों पर मुरत्तब होते हैं नस्लों पर तो जब सोसाइटी का ताना बाना होता है ना जैसे हम कहते हैं जरा जरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल आगे करके एक चीज होती है सोशल इंजीनियरिंग क्या उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा तो धड़ से एकदम ये उलमा उलमा ये जो 4:30 बजे सुबह को उठ के जो मौज़ अज़ान देता है ना इसको सलाम करें इसके हाथ चूमे ये इमाम साहब 5 दफा नमाज पढ़ाते हैं दीन को प्रिजर्व किया हुआ है ये ड्यू क्रेडिट दें
लेकिन जो कंटेम्पररी इश्यूज है जो मैंने बात की, इल्म इसको कैसे फैलाना है, वो अलग इश्यूज हैं। हमारा जो सवाल होता है वो सवाल ये होता है कि महज कुरान और हदीस को जान लेने का नाम क्या इल्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद, जैसे आज अंग्रेजी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, इब्रानी जबान उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, एचआर आज का मौजू एचआर है, हर सहाबी चाहे वो इल्मी सतह बदल नहीं थी, अच्छा तुम जाओ और इब्रानी जबान सीख कर आओ ताकि उलूम अरबी में मुंतकिल हो, असला मसकातों में को, अभी मैंने पुराने करीम की आयत पढ़ी यहाँ पर, असला चाहिए ताकि दुश्मनों पर हैबत हो जो कुरान कह रहा है। अच्छा वो लोग जो लड़ना जानते हैं, हर आदमी हजरत अबू हुरैरा कंपैरिजन कर रहे हैं, सैफुल्ला खालिद बिन वलीद तलवार लेकर जा रहे हैं, किसका क्या काम है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर उसकी ड्यूटी लगा रहे हैं। तुम जाओ तीर अंदाजी और तीर साजी, तीर कैसे बनते हैं तुम जाओ कहां अच्छे बनते हैं, यमन में जाकर वो तीर कैसे बनते हैं सीख कर आओ ताकि हम अपनी रियासत को महफूज बनाए। तो ये काम किए जाते हैं हकीमाना अंदाज में, सुलह हुदैबिया में पीछे हटा जाता है लेकिन 2 साल बाद फतह मक्का हो जाता है, ये हकीमाना अंदाज है। बिल्कुल बहुत अच्छी आपका आपके आंसर बहुत अच्छे और लंबे और बहुत इल्म से भरपूर। हमारे पास टाइम की कमी है नाज़रीन, सबसे आपसे 2 सवाल और लूंगा, एक लेडीज से और एक इधर से पीर साहब ने हाथ खड़ा किया, और इसके बाद खाना है। और अब ये कि जो खाने के दौरान 5:30 से 6 के दरमियान हम ये करेंगे कि आप इंटरमिंगल करें, इनसे सवाल वैसे कर लें क्योंकि अभी 6 बजे यकीनन हॉल को छोड़ना है यहाँ से, और मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि वो वही तरह उसी तरह से मेरा साथ दें जिस तरह उन्होंने इसे सेटअप करने के लिए साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल लेता हूँ, मेरा ख्याल सवाल लेने से पहले 2 अवार्ड है दिल अपना पाकिस्तान जो है वो अवार्ड देना चाह रहा है। वो काम नहीं छोड़ा करे अगर वो मियां ने कहा हो। और आपने कहा है कि आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो अल्लाह आपकी आंखें जब अल्लाह की आंखें बने आपके हाथ अल्लाह के हाथ बन जाते हैं, और बाकी हमने ये आजमाया है कि जब आप दीन के काम से निकलते हैं जो अल्लाह के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाता है। सवाल कोई अच्छा कमेंट ये कमेंट है सर का आप करवाइए अपने आप को मैं साहब इसलिए कह रहा हूँ कि हज बैठने वाला या साहब और साहब। अच्छा मैं समझा आप ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ लोगों ने मुझे साहब कहना छोड़ दिया। जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मेरे मन में ये था आप अशफाक के साहब के साथ जाते, जब हमने गूगल किया हमें पता चला कि आप बहुत अच्छे प्रोग्राम देखे, सबको हर मसले को आप साथ लेके चले। As per our sister said, unfortunately, it's all a fail with Azad. क्यों? कि वही लोग जो पाकिस्तान में उलमा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मीडिया में आते हैं, मैं भी यहाँ मीडिया में 22 years से हूँ, unfortunately, when they come on the table, they are together. But when they come on the field, unfortunately, they can't bear each other. आज से 30-40 साल 50 साल पहले हमने अक्सर सीरियल बैठे हैं, तालीम और तरबियत उस वक्त ये होता था, तालीम का मकसद साथ साथ बैलेंस तरबियत लेके करें, और यही वजह है कि इस वक्त के जो सीरियल मौजूद हैं
उनमें वो तरबियत अभी तक है। सवाल ये है, आपने अपने स्पीच में 58 का वर्ड बोला था, जमात इस्लामी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिंस मेनी इयर्स इम्पावर नहीं आ सकी, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब हम इम्पावर होंगे तब हम ये सारे एप्लीकेशन करें। तो बीइंग एन ओवरसीज, हम 58 कंट्रीज के उलमा जिन्हें हम जिम्मेदार कराते हैं, और मैं मुझे फख्र है कि मैं अपने प्रिंट मीडिया में उनको अक्सर अक्सर क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ कि दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द पावर, दे हैव द वॉइस, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन एवर समथिंग दिस हैपन इन एनी मुस्लिम कंट्री दे शट अप। How we can do for to जैसे हम कहना जंजोड़े। How can you do? How can you participate in the? उन 58 कंट्री को कैसे जंजोड़े? This is called collective participation, ना? Of course. अच्छा, देखिए बरादर, दीन का कैनवस बहुत बड़ा है। दीन का कैनवस जो आपने फरमाया ऐसा ही है। मैंने भी अर्ज किया था हर फर्द मंदिर के मुकद्दर पे सिखा रहा। पूरी मुसलमान उम्मत एक तस्बीह के दानों में जैसे उतरे हुए दाने होते हैं वैसी उम्मत है। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मजमूई तौर पर ये काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। नेशन स्टेट का तसव्वुर है, अपने अपने बॉर्डर्स बॉर्डर्स में महदूद कर दिया गया, दीन में बॉर्डर्स नहीं होते। सबसे पहले पाकिस्तान जो नारा लगता है ना, ये खिलाफ दीन है। इस वक्त 58 कंट्रीज हैं OIC के मेंबर, सबसे पहले कुवैत, सबसे पहले इंडोनेशिया, सबसे पहले ईरान, सबसे पहले सऊदीया। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फिक्र है उससे करीब तर है ये? नो नो, तो हमने बाउंड्रीज में हमें बंद कर दिया गया, हमारी सोच को गुलामाना बना दिया गया। हम ऐसे हो गए हैं कि इकबाल का शेर, वफादारी साहब इकबाल का शेर इस जैद में कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दान हुर की आंख बीना। तो पहले मर्दान हुर की आंख वो पैदा होना कि मैं मरूब नहीं होता, मैं मगलूब नहीं होता। इकबाल में और सर सैयद में यही फर्क। आपके सवाल कैसे हैं? मेरी खुश नसीबी आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। बदनसीबी ये थी कि मैं देर से आया और थोड़े अरसे में थोड़ा बहुत कुछ मैंने आपसे हासिल किया। मेरा सवाल